फ्रेंड भाई, फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं सीबीएसई यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट का छठवां पार्ट लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, छठवां टेस्ट लेकर के आ गया हूँ, जिसमें कंप्यूटर के टेस्ट का ये तीसरा पार्ट है। फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जान रहे हैं, कंप्यूटर के 330 प्रश्नों का सीरीज मैं बनाया हुआ हूँ, जिसका तीसरा पार्ट मैं ये लेकर के आया हूँ। पहले पार्ट में मैं 30 क्वेश्चन दिया था, दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन, और इस तीसरे पार्ट में 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बता दूँ, काफ़ी कम समय बचा है, इसलिए मैं क्वेश्चन का संख्या बढ़ाते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें कम समय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब यही कहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन में एकदम मतलब अधिक से अधिक मन लगाएं, जितना भी टाइम है उसका यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अब लास्ट है। अगर ये मौका गवा दी, फिर दोबारा मौका नहीं आएगा। ये तो सीबीएसई में वैकेंसी कभी निकलता नहीं है, वैकेंसी आया हुआ है, तो उसका फ़ायदा उठाएं आप लोग। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा, ये वीडियो अंत तक देखें, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर हो सके, क्योंकि मैं शुरू से चैलेंज कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि 10 में से 6 क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे, कुछ कम देखेंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर बाद में आप ब्लेम हमें करेंगे, तो मैं नहीं मानने वाला। ठीक है, अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं तैयार हूँ आपका ब्लेम सुनने के लिए, हाँ मेरे वीडियो से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आप पूरा देखिए कम से कम फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए मैं लास्ट के 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा, आप लोग से कमेंट बॉक्स में आंसर पूछूंगा, ताकि पता चल सके कौन कौन लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर मेरा बात सही नहीं होता है, तो आप लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं कवर बोल चुका हूँ, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्रेजेंट में, कि मैं जो वीडियो डालूँ, जो भी टेस्ट डाला हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि टाइम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीसियस होता है। अब आते हैं वीडियो पे, आज के क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मॉनिटर। नेक्स्ट, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक। नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी मॉडिफायर, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मॉडिफायर। नेक्स्ट, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बार कोड्स, ऑप्शन बी स्कैनर्स, ऑप्शन सी प्राइसेस, ऑप्शन डी कोड। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बार कोड्स। नेक्स्ट, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी टच स्क्रीन। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से हम लोग इनपुट देते हैं, ना कि आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए हॉरिजेंटली, ऑप्शन बी डायगोनली, ऑप्शन सी जिगजैग, ऑप्शन डी वर्टिकली। तो फ्रेंड्स, ये मॉनिटर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, सबका एक ही तरीके से नापा जाता है फ्रेंड्स। जो आकार होता है वो क्या होता है? डायगोनली, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी डायगोनली। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्कैनर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए विलियम इंग्लिश, ऑप्शन बी डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट जवाकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी डगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी सीडी रोम। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रैम। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन ए बाहरी, ऑप्शन बी भीतरी, ऑप्शन सी सहायक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भीतरी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ऑप्शन ए एक्सटर्नल, ऑप्शन बी इंटरनल, ऑप्शन सी वोलाटाइल, ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल। नेक्स्ट, रैम किस तरह की मेमोरी है? ऑप्शन ए बाहरी, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी भीतरी, ऑप्शन डी मुख्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुख्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रैम नहीं है? ऑप्शन ए पी रैम, ऑप्शन बी डी रैम, ऑप्शन सी फ्लैश, ऑप्शन डी एस रैम। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पी रैम। नेक्स्ट, सेलफोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैशे, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी फ्लैश, ऑप्शन डी बफर। बफर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कैशे। नेक्स्ट, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्शन ए वर्चुअल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी। नेक्स्ट, किस मेमोरी में
रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी फ्लॉपी, ऑप्शन सी सीडी, ऑप्शन डी डिस्क। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रैम। नेक्स्ट, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं? ऑप्शन ए ऑप्टिकल, ऑप्शन बी मैग्नेटिक, ऑप्शन सी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक दोबारा रिपीट हो गया फ्रेंड्स, कोई बात। ऑप्शन डी परसिस्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक ही हो जाएगा, ऑप्शन बी ऐसी दोनों एक ही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए पढ़, ऑप्शन बी लिख, ऑप्शन सी पढ़ और लिख, ऑप्शन डी या तो पढ़ या लिख। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पढ़ और लिख। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन बी मेमोरी डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन डी ये सभी। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, डीवीडी का उदाहरण है? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट डिस्क। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी आंतरिक मेमोरी, ऑप्शन सी प्राथमिक स्टोरेज, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रमुख मेमोरी जो होता है ये सभी प्रमुख मेमोरी ही है। प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, सब क्या है? प्रमुख मेमोरी है। नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया के क्या है? ऑप्शन ए क्रैशिंग, ऑप्शन बी ट्रैकिंग, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी डाइसिंग। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए फ्लॉपी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीडी, ऑप्शन डी रैम। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रैम। नेक्स्ट, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? ऑप्शन ए डिवाइस, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी डायरेक्ट मेमोरी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी। नेक्स्ट, डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क या फिर डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है कौन करता है? ऑप्शन ए DIMM, ऑप्शन बी बश, ऑप्शन सी ALU, ऑप्शन डी रजिस्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ALU। नेक्स्ट, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ऑप्शन ए पेरिफेरल्स, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी CMOS, ऑप्शन डी बस। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बस। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी फादरबोर्ड, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। नेक्स्ट, पीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए पब्लिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्राइवेट कंप्यूटर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिंग, ऑप्शन बी पोर्ट, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी यस। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पोर्ट। नेक्स्ट, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, ऑप्शन सी इंडियन ब्रेन मशीन, ऑप्शन सी इंडियन बिजनेस मशीन। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी मिनी, ऑप्शन सी USB, ऑप्शन डी MIDI। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं चेक करूंगा कौन लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक, और आंसर आप लोग देंगे अपने से और अच्छा भी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी को प्रोसेसर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। नेक्स्ट, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन सी स्लॉट, ऑप्शन डी पैक्स। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी स्लॉट। नेक्स्ट, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी गीगाबाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बीट। नेक्स्ट, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी सिस्टम बस, ऑप्शन सी ALU, ऑप्शन डी इनपुट यूनिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम बस। नेक्स्ट, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी सोर्स कार्ड, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट कार्ड, ऑप्शन डी असेंबल लैंग्वेज। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ऑप्शन ए निकोलस बर्थ, ऑप्शन बी जिम क्लार्क, ऑप्शन
सी निकोलस, बट फिर रिपीट हो गया फ्रेंड्स। ऑप्शन डी जॉन जी कैमी, इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जॉन जी कैमी। नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1975। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1964। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मिक्स चार्ट, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी हल चार्ट। तो इसका भी आंसर फ्रेंड्स आप ही को बताना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी फोर्ट्रान। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फोर्ट्रान। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए ग्राफिक कार्य, ऑप्शन बी व्यवसायिक कार्य, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कार्य, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यवसायिक कार्य। नेक्स्ट, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी फोर्ट्रान। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कोबोल। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए C++, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी फोर्ट्रान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कोबोल। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी इन्फो सिस्टम, ऑप्शन सी सन माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी IBM। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सन माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? ऑप्शन ए कोबोल भाषा, ऑप्शन बी फोर्ट्रान भाषा, ऑप्शन सी मशीन भाषा, ऑप्शन डी बेसिक भाषा। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मशीन भाषा। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी बेसिक। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जावा। नेक्स्ट, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी वेब सर्वर्स। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी वेब सर्वर्स। नेक्स्ट, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी सी लैंग्वेज, ऑप्शन सी बेसिक लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज। इसका आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ऑप्शन ए लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी असेंबल लैंग्वेज, ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। इसका भी आंसर फ्रेंड्स आपको देना है। नेक्स्ट, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लॉजिकल एरर, ऑप्शन बी कंपाइलर एरर, ऑप्शन सी मशीन एरर, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल एरर। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? ऑप्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज कोड, ऑप्शन बी न्यूमेरिक कोड, ऑप्शन सी जावा लैंग्वेज, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए हेक्साडेसिमल, ऑप्शन बी ऑक्टल, ऑप्शन सी बाइनरी, ऑप्शन डी दशमलव। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बाइनरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ऑप्शन ए KB, ऑप्शन बी TB, ऑप्शन डी MB, ऑप्शन सी MB, ऑप्शन डी GB। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा TB होता है, सबसे छोटा जो होता है बाइट और बिट्स होते हैं, ठीक है, 1 byte में 8 bits होते हैं। नेक्स्ट, बिट किसका लघु रूप है? अभी गया। नेक्स्ट, तो ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन डी बाइनरी नंबर। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 512। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बीट, अभी बोल रहे हैं दोबारा। कितना बाइट मिलकर 1 KB बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए 4096, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 612, ऑप्शन डी में कोई नहीं। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1024। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 1, 4, 2 या 8। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट, अक्षर तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्फा सिस्टम, ऑप्शन बी नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी बाइट सिस्टम, ऑप्शन डी कोडिंग सिस्टम। इसका भी आंसर फ्रेंड्स आप बताएंगे, हम नहीं बताने वाले, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बीट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी फाइल। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बीट। नेक्स्ट, लॉजिक गेट क्या है? ऑप्शन ए एक विशेष CD, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एक प्रकार का सर्किट, ऑप्शन डी एक कंप्यूटर गेम। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का सर्किट। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर इन्फॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल डेटा, ऑप्शन बी एनालॉग डेटा, ऑप्शन सी मॉडर्न डेटा, ऑप्शन डी वर्ड्स डेटा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए डिजिटल डेटा। नेक्स्ट, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ऑप्शन ए एक एप्लीकेशन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी यूटिलिटी। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यूटिलिटी। नेक्स्ट, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बग, ऑप्शन सी यूनिट प्रॉब्लम, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग एरर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बग। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सूचना। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए टेस्टिंग, ऑप्शन बी डीबगिंग, ऑप्शन सी कंपाइलिंग, ऑप्शन डी रनिंग। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी डीबगिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। नेक्स्ट, DOS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डिस्क ऑफ सिस्टम, ऑप्शन सी
सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इसमें विषम शब्द है, ऑप्शन ए एमएस डॉक्स, ऑप्शन बी एक्सेस, ऑप्शन सी यूनिक्स, ऑप्शन डी विंडोज 98। इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताने वाले, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट, यूनिक्स का विकास कब हुआ, ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1975। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1969। नेक्स्ट, यूनिक्स की मुख्य भाषा है, ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी असेंबली। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी असेंबली। नेक्स्ट, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी सिस्टम, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी पैकेज। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ऑप्शन ए सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी मेमोरी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सिस्टम। नेक्स्ट, कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है, ऑप्शन ए निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी पास्कल भाषा, ऑप्शन डी कोबोल भाषा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है, ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी केन थॉम्सन, ऑप्शन सी रमावत कैथरीन, ऑप्शन डी रॉड फेंसन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी केन थॉम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी असेंबलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी इंटरकॉम, ऑप्शन सी इप्रोम, ऑप्शन डी इंटरफेस। तो इसका आंसर इंटरफेस, सॉरी फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इंटरफेस, इंटरफेस आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए यूथ प्रोग्राम, ऑप्शन बी फर्म प्रोग्राम, ऑप्शन डी स्रोत प्रोग्राम, ऑप्शन डी लूप प्रोग्राम। इसका आंसर फ्रेंड्स आप बताने वाले हैं, मैंने बताने वाला। नेक्स्ट, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, ऑप्शन ए एमएस डॉस, ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी एमएस कोइनेट। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट, ओरेकल है, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोइनेट। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए नेटवर्किंग, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी अकाउंटिंग, ऑप्शन डी डीटीपी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अकाउंटिंग। नेक्स्ट, सीएडी का तात्पर्य है, ऑप्शन ए कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए पेज मेकर, ऑप्शन बी एमएस वर्ड, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ए और दोनों, पेज मेकर और एमएस वर्ड दोनों से रिज्यूमे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी रनिंग प्रोग्राम। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए प्रोग्राम कोड, ऑप्शन बी सोर्स कोड, ऑप्शन सी ह्यूमन कोड, ऑप्शन डी सिस्टम कोड। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ऑप्शन ए इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी कन्वर्टर, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी स्टार्टिंग, ऑप्शन सी रीबूटिंग, ऑप्शन डी सेकंड स्टार्टिंग। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी रीबूटिंग। नेक्स्ट, पीओएसटी पोस्ट का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन ए प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन बी प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, ऑप्शन सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन डी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। तो इसका आंसर भी फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए ओपन सोर्स, ऑप्शन बी प्रोप्राइटरी, ऑप्शन सी शेयरवेयर, ऑप्शन डी हिडन टाइप। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स। नेक्स्ट, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी डबल प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी टर्मिनल, ऑप्शन सी हैंडहेल्ड, ऑप्शन डी नोट। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, ऑप्शन ए मेश, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी स्टार। तो इसका भी फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अब ये लास्ट लोग क्वेश्चन मैं इसलिए दिया इसलिए पता चले कितने लोग लास्ट तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग लगातार देख रहे हैं, बीच में स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई क्वेश्चन आप लोग के भर से छोड़ा हुआ हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। और जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उनको मेरी तरफ से अभी से शुभकामनाएं कि वो एग्जाम अपने क्लियर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं यही कहूँगा इस वीडियो को आप लोग अधिक से शेयर कर दें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ ऐसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, रोज़ वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।